DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल साहब, हमारे प्रभारी राजस्थान के एआईसीसी के मंत्री अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारे ऑब्जर्वर राष्ट्रीय चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी, अन्य उपस्थित हमारे मंत्रीगण, तमाम उपस्थित पत्रकार बंधु, जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए. ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी, उसके बावजूद अचानक ही चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया. उस वक्त ही मैंने कहा था कि हॉर्स ट्रेडिंग पूरी नहीं हुई बीजेपी की, इस कारण से पोस्टपोन किया गया. गुजरात के हमारे साथी यहाँ के बैठे हुए थे, कोई कारण नहीं था. वो सामने आ गया कि जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर. तो अभी जो सुरजेवाला ने बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है. 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है. सुरजेवाला ठीक कह रहे थे कि कौन दर्द बांट रहा है. मैं सोचा था कि कौन दर्द बांट रहा है, कौन दवा बांट रहा है, ये फैसला करना पड़ेगा. उनको चिंता ही नहीं कोरोना की, इसीलिए कोरोना की शुरुआत हो चुकी थी. राहुल गांधी ने 12 फरवरी को आगाह कर दिया था, उसके बावजूद भी सरकार बदली गई मध्य प्रदेश के अंदर. उसके पहले तमाशा कर चुके थे कर्नाटका के अंदर. जो षड्यंत्र करते हैं उनको बहुत टाइम लगाना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है. उसके अंदर लगे रहेंगे तो वो कोरोना का मुकाबला कैसे करते हैं, लगे रहे कैसे सरकार टॉपल करने में पूरी ताकत झोंक दो. पूरी ताकत झोंकी गई, झोंकी गई, तमाशे सबने देखा, वो आपके सामने. ये हालात में आज देश चल रहा है. कांग्रेस पार्टी का अपना इतिहास शानदार, कुर्बानी का, त्याग का, बलिदान का. मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे. कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है. पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी, वो निर्दयाबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्ट की सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके. ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है. जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कब तक लड़ाओगे आप लोगों को. और मुझे आश्चर्य होता है, अभी तो कोरोना है, जीवन बचाने का सवाल है, और जीवन बचाने के अंदर सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और तो और यह मैं कहना चाहूँगा, तमाम बड़ी पार्टी, कोई पार्टी हो, उन सबके लोगों के, उनके सदस्यों के जीवन बचाने की बात है. जब जीवन पे खतरा हो और उस वक्त भी अगर सब मानव एक नहीं हो, सभी बड़ी पार्टियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी वर्गों के लोग, आप बताइए इस COVID-19 का मुकाबला कैसे कर पाओगे. ये क्या ये सोच प्रधानमंत्री मोदी जी के दिमाग नहीं आती है, क्या ये सोच अमित शाह जी के दिमाग नहीं आती है. जब हमारी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी लिख चुकी थी प्रधानमंत्री जी को, हम आपके साथ खड़े हैं, विपक्षी पार्टी आपके साथ है, इसका माने हम सब मिलके, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई धर्म हो, कोई जाति हो, कोई वर्ग हो, सब मिलके कोरोना का मुकाबला करेंगे. जीवन बचाने का सवाल है. ये सब आप लोग मास्क लगाए बैठे हो, क्यों लगाए बैठे हो, क्या हो रहा है देश के, दुनिया के अंदर.
पूरी दुनिया में चैलेंज आ गया हमारे सामने, उस वक्त भी तोड़फोड़ करना उनकी फितरत के अंदर है। तोड़ दी सरकार को मध्य प्रदेश के अंदर, षडयंत्र कर राजस्थान के अंदर षडयंत्र कर रहे हैं, इसलिए जनता के सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि आज जो हम लोग सब साथ बैठे आप बात कर रहे हैं कि सच्चे सामने लाए आप लोग। हम सब पूरी पार्टी में हमारे एमएलए साहब का परसों मीटिंग हुई थी, हम लोगों ने सबने संकल्प एक साथ में सब मिलकर के एक एक वोट, एक वोट भी राइट लेफ्ट नहीं जाएगा, सब मिलकर हमारे दोनों उम्मीदवार जो घोषित है केसी वेणुगोपाल जी और नीरज डांगी जी, दोनों सीटें जीतेंगी राजस्थान के अंदर, किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्ज हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के दो लोग आ चुके हमारे साथ में, दो सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को मैंने रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे, तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फासिस्ट ताकतों को हराएंगे। ये संकल्प के साथ हम लोग इकट्ठे हैं, इसीलिए आपको तकलीफ देंगे। धन्यवाद। DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबीजी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। मुख्यमंत्री जी, क्योंकि सरकारी मुख्य सचिव ने ACB को प्रार्थना पत्र दिया है, जबकि अगर प्रार्थना पत्र देना होता है तो किसी इंडिविजुअल विधायक के माध्यम से दिया जाना चाहिए था। क्या इस तरह से सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हुए, क्योंकि सरकारी मुख्य सचिव पद पर है, ऐसी स्थिति में उसको चुप करके जांच करना, और आप कह रहे हैं कि भविष्य में आपकी सरकार को अस्थिर कर सकते हैं, क्या मध्य प्रदेश वाली स्थिति यहाँ कुछ है कैसे सुखवाट, और कुछ आपके ही मंत्री ट्वीट करते हैं, बहुत सारी विवाद करते हैं, सारी चीज़ें, तो क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये बहुत ही स्थिति है प्रदेश के अंदर, कर्नाटका में हुआ क्या मालूम आपको, मध्य प्रदेश में क्या सबको मालूम है, और राजस्थान में जब हमारे बीजेपी नेता टेलीफोन करेंगे हमारे कांग्रेस के लोगों को, इंडिपेंडेंट को, उनको हम क्या कहेंगे। ये जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है भाई जोशी जी ने, इसीलिए करवाई है जिससे कि जांच हो सके उसकी। और तो और आपको एक जानकारी और देना चाहूँगा, उसके अलावा SOG के अंदर भी रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है, जिससे कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम करने वाले लोग हैं, पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, उसकी जानकारी मिलने के समय में बढ़ जाएगी, तो SOG के अंदर भी कंप्लेंट करवा दी गई, ये भी मैं जानकारी देना चाहूँगा। सर वी विल हैव टू गो वन बाय वन, PTI से अच्छा योगेश शर्मा जी, अगर जी सर, मेरा सीएम साहब से सवाल है, जो बात आपने कही प्रलोभन को लेकर, प्रलोभन देकर विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, तो क्या माने सर में कोई शिफ्ट करने की योजना की जानकारी सर आपको लगी थी, दिल्ली की सीमाएं जब सील की गई, या फिर कुछ इस तरह की इनपुट आपके पास आया कि BJP ने डायरेक्टली टच किया हो, और महेश जी ने जो लेटर लिखा था और फिर उसके बाद आपने भी उस पर बात कही, और तो क्या इंडिपेंडेंट MLAs को टच किया गया या पार्टी के MLAs को सीधे तौर पर टच किया गया, और वो सीधे तौर पर उनको डायरेक्टली इस तरह का प्लान किया गया कि एक दो दिन पहले जो आपने कैंप किया उससे पहले ही उनको दिल्ली ले जाया जाए या राजस्थान से बाहर लेकर जाया जाए। सीएम साहब से सवाल। मुख्यमंत्री जी तो जवाब देंगे ही जी। मुझे लगता है आदरणीय मित्र, अटकलों और अफवाहों पर विश्वास मत कीजिए। जो दरख्वास्त महेश जोशी जी ने दी है, उन सारे हवालाबाजों, ये विश्वास करिए अशोक गहलोत जी की चक्की जब पीसती है तो बड़े अच्छे से पीसती है। हर हवालाबाज और हर वो आदमी जो हमारी सरकार को अस्थिर करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, और उसको ऐसी कड़ी सजा मिलेगी देश के कानून के अनुरूप कि वो उसका एक उदाहरण लोग दिया करेंगे। पर जैसा मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने कहा, हमारी सरकार, हमारे विधायक, हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता और राजस्थान के लोग चट्टान की तरह मजबूत हैं,
न धन न प्रलोभन, येन केन प्रकेन, वो कितनी भी कोशिश करें वो अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि इस बार उन्होंने राजस्थान की वीर जनता के प्रजातांत्रिक मैंडेट को चुनौती दी है। धन्यवाद सर। सीएम साहब से एक सवाल है। राहुल शर्मा जी से एक बार मैं एक एक करके सर आ जाऊं, आप सबके पास आ जाऊंगा, ऐसी सुविधा भी नहीं। अच्छा राहुल जी, सीएम साहब से सवाल है सर, जिस तरह के आरोप चल रहे हैं, सबका में गिवाने का खेल चल रहा है, आपको लगता नहीं कि दल बदल कानून जो है उसमें बहुत बदलाव की जरूरत पड़ गई? जिस तरह से पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात की जा रही है, तो ये दल बदल कानून में संशोधनों, विधायक इस तरह का कोई काम करते हैं उनकी सदस्यता पूरी तरह से जाए, इस तरह के कानून के संशोधन की जरूरत आपको आप लोगों को नहीं लगती? आपको याद होगा आदरणीय साथी, ये आपने क्वेश्चन किया, परंतु आप देख रहे हैं कि वह अमेंडमेंट पहले भी हुए हैं, उसके बाद में भी कोई कोई रास्ता निकाल लेते हैं और अमेंड करेंगे और रास्ता निकल जाएगा। फूल प्रूफ कानून तो खुद की नैतिकता ही हो सकती है और नैतिकता इनमें है नहीं, इसीलिए इनके दिलो दिमाग के अंदर कोरोना से मैं बार बार कहना चाहूँगा, ये जंग मामूली जंग नहीं है। ये कोरोना किस रूप में बढ़ेगा, इसका मिजाज क्या होगा, कोई नहीं जानता है। जब पूरे मनुष्य के जीवन पर संकट है, उस वक्त में आप अगर पॉलिटिक्स करोगे इस प्रकार से, तो आप राज शासन गवर्नेंस क्या करोगे जनता को बचाने के लिए? फिर आपका दिमाग हर वक्त घूमेगा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, कभी मध्य प्रदेश, कभी कर्नाटका, कभी राजस्थान, कभी महाराष्ट्र, यही काम करते जाएंगे। ये समझना पड़ेगा एक कॉर्नर में क्यों जोड़ रहा हूँ, ये कोई मामूली बात नहीं है, जंग मामूली नहीं है। क्या अमेरिका में, इटली में, स्पेन में, चाइना में क्या हुआ, क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, कोई नहीं जानता है। तो जंग वो लड़े उसके लिए विपक्षी पार्टियाँ साथ हैं, मिसेज सोनिया गांधी कह चुकी है, तो उसके बाद में इनको समझ नहीं आ रही है क्या ये स्थिति है? और ये जिस प्रकार से षड्यंत्र कर रहे हैं वो बातें सामने आ रही है हमारे भी, हमने जो फैसले किए सोच समझ के फैसले किए। इसीलिए DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12, 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस, ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। ऐसा है आदरणीय मित्र, एक सेकंड, एक मंत्री जी इसका जवाब। ऐसा है अभी फर्क होता है, मैं सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ बार बार कि साहब बसों वाले चले गए, हमें कहते हैं कि हम ये डिफेक्शन करवा रहे हैं। बसा वाले ने किसी डिफेक्शन नहीं किया, पूरी पार्टी मर्ज हुई उनकी, दूसरी बार पूरी पार्टी मर्ज होने में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग मर्ज हुई, उन्हें बहुत राजनीति का फर्क होता है, वो लोग बोलने वाले जानते हैं। सर वील हैव टू गो वन बाय वन। वो नई बात नहीं है, पहले भी लगाई थी। सचिन सैनी जी हिंदुस्तान टाइम्स से, क्योंकि आपने पूछ लिया। गोवर्धन चौधरी जी न्यूज़ 18 से, नीरज शर्मा जी न्यूज़ इंडिया से, कि जो आरोप लगाए हैं कांग्रेस पार्टी ने उनके प्रमाण पेश करें यदि प्रमाण है तो। दूसरा उन्होंने कहा है कि कांग्रेस संगठन के अंदर अंतर्कलह है, उसका फायदा हमें मिलने जा रहा है और अन्य राज्यों में भी ऐसा हुआ। मुझे लगता है उप मुख्यमंत्री जी आपके सवाल का जवाब देंगे।